and Radhika. We hope that Radhika dances till eternity under his loving arms. तो भाई लोग खबर ये है कि अंबानी जी के बेटे की प्री वेडिंग का जो फंक्शन है, जो 3 दिन का प्रोग्राम है, वो फाइनली क्या हो गया है राहुल जी? खत्म। इन 3 दिनों में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी होगा जो इस शादी में न नाचा हो या न आया हो। सलमान से लेकर आमिर, शाहरुख खान तक स्टेज पर लाइन लगा के ऐसे नाच रहे थे जैसे 4th class के बच्चे अपने एनुअल डे के फंक्शन पे नाचते हो। किसान आंदोलन के टाइम भारत के खिलाफ ट्वीट करने वाली रिहाना दीदी मंच पर ऐसे फुदक रही थी जैसे केला देखकर मदारी का मंकी फुदकता है। फेसबुक वाले जैकरू भैया अनंत अंबानी की महंगी घड़ी देखकर ऐसे बेहोश हो गए जैसे एयरपोर्ट पर आम आदमी पानी की बोतल के रेट सुनकर बेहोश हो जाता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जामनगर के छोटे से एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट ऐसे खड़े थे जैसे मेट्रो स्टेशन के नीचे लाइन लगाकर ई रिक्शा खड़े हो। शादी में हो रहे खर्चे का सुन सुनकर पाकिस्तानियों के हार्ट अटैक आ गए। रिहाना के परफॉर्मेंस की फीस सुनकर पाकिस्तान के पीएम खुद पाजेब पहनकर शादी में नाचने को तैयार हो गए। कुल मिलाकर 3 दिन तक खूब नाच गाना खेल तमाशा हुआ। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। 1,250 करोड़ खर्चा हो गया। और जब ये सब हो गया तब जाकर मुझे पता चला कि चचा ये तो अभी प्री वेडिंग का फंक्शन था, असली शादी तो अभी जुलाई में होनी है बे। क्या बोला तूने? और मेरे जैसा बंदा ये सोच सोच कर परेशान है कि अंबानी जी ने प्री वेडिंग फंक्शन में बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग जैसों को बुला लिया। फिर तो भैया शादी में क्या करेंगे? शादी के फंक्शन में तो दूसरे लोग से अल्बर्ट आइंस्टाइन और कार्ल मार्क्स को ही ना बुलवा लें। तो भैया ये तो मेरी चिंता है, लेकिन कुछ लोगों के पेट का दर्द तो कुछ और ही है। उन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि अंबानी जी ने शादी में इतना पैसा क्यों बहाया। उन्हें शादी में इतने बड़े बड़े स्टार्स का आकर परफॉर्म करना भी रास नहीं आ रहा है। उनके पेट में इस बात के भी मरोड़ उठ रहे हैं कि टीवी वाले इस शादी को इतना कवर क्यों कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज के फनतंत्र में, हम इसी इशू पर बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अमीर आदमी का अपने बच्चों की शादी पर पैसे खर्च करना वल्गर माना जाना चाहिए, या उसे सोसाइटी में मैसेज देने के लिए सिंपल शादी करनी चाहिए, या फिर ये पूरी तरह उसका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए और हमें इसके लिए उसे जज नहीं करना चाहिए। क्या लगता है आपको? बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को आगे भी पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वेलकम, फन तंत्र शुरू करते हैं। दोस्तों बात यह कि एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की बेटी की शादी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्रिटेन के डेली मेल तक, जर्मनी के बिजनेस इंसाइडर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के एबीसी तक इस शादी को देखकर पूरी दुनिया की मीडिया के होश उड़ गए हैं। मतलब जिस यूरोप और अमेरिका में दुनिया के 1 से 1 अरबपति हैं, उन देशों का मीडिया भी ऐसी शादी देखकर गश खा गया। इस शादी की चमक धमक, इसकी शानो शौकत के सामने अमीर से अमीर देशों को भी अपनी नानी याद आ गई। इस प्री वेडिंग फंक्शन की लैविशनेस का इसी से अंदाजा लगाइए कि 1 मार्च से स्टार्ट हुए इस फंक्शन में अमेरिका की वॉल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक, बिल गेट से लेकर सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन से लेकर तीनों खानों तक दुनिया के न जाने कितने बड़े स्टार्स मौजूद थे। गुजरात के जामनगर में रिलायंस ग्रीन्स के 750 एकड़ जमीन पर 3 दिन तक ये फंक्शन चला। 3 दिन के फंक्शन में हुए खर्चे का अंदाजा इससे लगाइए कि 3 दिन के फंक्शन की कैटरिंग का खर्चा 20 मिलियन पाउंड यानी 210 करोड़ रुपए के आसपास था। पॉपस्टार रिहाना को 2 घंटे की परफॉर्मेंस के 74 करोड़ रुपए दिए गए। जिन शाहरुख, सलमान और आमिर को एक साथ फिल्म में लेने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर की नहीं पड़ती, वो तीनों खान एक साथ स्टेज पर डांस कर रहे थे। हर एक गेस्ट का यहाँ राजा महाराजाओं की तरह ख्याल रखा गया। फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गेस्ट को इनवाइट करते समय ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि हर कपल अपने साथ 3 सूटकेस से ज्यादा न लेकर आए। अगर वो लाते हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि उनका सूटकेस सेम फ्लाइट से आ जाए। अगर वो अपने कपड़े प्रेस करने के लिए देते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि प्रेस होकर आने में 3 घंटे लग सकते हैं। बावजूद इसके ये एक ऐसा प्री वेडिंग फंक्शन था जिसमें बुलाया जाना, जिसे अटेंड करना उन लोगों के लिए भी सपना था जो खुद अपने आप में बहुत बड़े सेलिब्रिटीज। कुल मिलाकर ये शानो शौकत का, इंडियन कल्चर का, उसकी भव्यता का एक ऐसा इवेंट था जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। मगर जैसा कि हर अच्छी लव स्टोरी में एक विलेन होता है, हर रंग में भंग डालने वाले लोग होते हैं, उसी तरह इस शानदार शादी का जश्न देखकर छाती कूटने वाले भी कुछ लोग थे। शादी का खर्चा और उसकी लैविशनेस देखकर कुछ लोगों के पेट में ऐसे मरोड़ उठ रहे थे जैसे अंबानी जी उनकी कमेटी के पैसे लेकर भाग गए हों।
जैसे अंबानी जी ने खुद उनकी बीवी के कंगन बेचकर अपने बेटे की शादी कर ली हो बे। बात सही है। ऐसे लोगों की शिकायत है कि अंबानी की बेटी की शादी पैसे और ताकत की भौंडी नुमाइश है। इन्हें उन स्टार से भी प्रॉब्लम है जो इस शादी में आकर नाच रहे हैं, और मीडिया को गाली देना तो इनका वैसे भी फेवरेट पास टाइम है। मगर सच कहूं तो मुझे ऐसे लोगों का पेट दर्द बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और इसके लिए मेरे पास अपने रीजंस हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी आदमी अगर प्रॉपर टैक्स भरते हुए पैसे कमा रहा है तो उसे पूरा हक है कि वो उस पैसे को कैसे खर्च करे। मुकेश अंबानी किसी सरकारी कंपनी में काम करने वाले थर्ड ग्रेड के कर्मचारी तो है नहीं, जो आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि इनकी सैलरी तो 30,000 थी, ये अपनी लड़की की शादी पर 10 करोड़ कैसे लगा रहा है, जरूर बेईमानी का पैसा कमाया होगा, ऐसे ही लोगों ने तो देश को बर्बाद कर डाला है। अब हेलो चचा, ऐसा तो है नहीं, बताइए। मुकेश अंबानी भारत ही नहीं एशिया के सबसे अमीर आदमी है। फोर्ब्स मैगजीन के मार्च इशू के हिसाब से उनकी नेटवर्थ $118 बिलियन है। $118 बिलियन का मतलब समझते हो चचा? $1 बिलियन में भारत का 8 से 8,500 करोड़ रुपया होता है। अब $118 बिलियन में कितने लाख करोड़ रुपए होंगे, इसका हिसाब खुद लगा लो, समझे? 150 रुपया देगा। अब जो आदमी कई लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा कारोबार करता है या इतना बड़ा मालिक है, अगर वो अपने बेटी की शादी में 1,500-2,000 करोड़ रुपए भी खर्च करता है तो ये उसकी टोटल नेटवर्थ का 1-2% भी नहीं है। जबकि एक आम हिंदुस्तानी अपनी हैसियत और अपनी दौलत का 20-25% रुपया अपने बच्चों की शादी पर खर्च कर देता है। इस हिसाब से तो अंबानी जी ने बड़े सस्ते में निपटा दिया। नहीं, दरअसल जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी या प्री वेडिंग में इतना पैसा लगा दिया, वो एक्चुअली अपने फिनेंशियल स्टेटस के हिसाब से शादी का खर्चा देख रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि इस देश में कितने ही ऐसे लोग हैं जो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमा पाते। कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जिनके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस के 500-1,000 रुपये भी नहीं है। अब ये लोग जब अपने आसपास शादियों में लाखों करोड़ों रुपए लगते देखते हैं तो क्या इन्हें ये नहीं लगता होगा कि इतना पैसा शादी में लगाने की बजाय हम जैसे गरीबों में बांट देना चाहिए था? बिल्कुल लगता होगा। तो क्या ऐसे लोगों की फीलिंग्स को देखते हुए मिडिल या अपर मिडिल क्लास ने शादियों में पैसा खर्चा करना बंद कर दिया है क्या? हेलो, बिल्कुल नहीं। अगर आम आदमी अपने बच्चों की शादियों में कुछ 1,000 रुपए खर्चा करके लोकल ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुला सकते हैं तो अंबानी जी कुछ 100 करोड़ खर्च करके रिहाना और दिलजीत दोसांझ जैसे को नहीं बुला सकते क्या? अब आम आदमी के लिए जैसे 10-20 हज़ार रुपए देकर लोकल ऑर्केस्ट्रा पार्टी को बुलाना है, वैसे ही मुकेश अंबानी के लिए 200-300 करोड़ रुपए देकर रिहाना, दिलजीत और अरिजीत को बुलाना है। अगर मिडिल क्लास आदमी अपने रिश्तेदारों के लिए ठीक ठाक होटल में कमरे बुक करवा सकता है तो भारत का सबसे अमीर आदमी अपने बेटी की शादी के लिए जेट भेजकर लोगों को नहीं बुला सकता? बिल्कुल बुला सकता है। बाबू भैया एक बात समझो, बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये दुनिया पैसे से ही चलती है। अगर आपके पास पैसा है, आपने वो पैसा लीगल तरीके से कमाया है, तो इस देश की डेमोक्रेसी आपको पूरा राइट देती है, पूरा हक देती है कि आप अपने तरीके से जैसे चाहें उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। रही बात मोरालिटी की, तो भैया वो न की जाए थोड़ी ठीक है। जो प्रशांत भूषण जैसे लोग इस तरह की शादी पर सवाल उठा रहे हैं, इसे पैसे की नंगी नुमाइश बता रहे हैं, क्या वो बड़े बड़े वकीलों की करोड़ों की फीस पर कोई कमेंट करेंगे क्या? आपको अंबानी के बेटे की शादी में किया गया खर्च अनाप शनाप लग रहा है तो बड़े वकीलों की फीस को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? खासकर वो वकील जो घंटों के हिसाब से लाखों रुपए चार्ज करते हैं। आप मोरालिटी की बात करते हैं तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि आखिर वो कौन सी मोरालिटी थी जो आप मौत की सजा पाए एक खूंखार आतंकी की सजा पर रोक लगाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट चले गए? आपके लिए अरबपति आदमी का अपने बेटी की शादी पर करोड़ों खर्च करना अश्लील या वल्गर है तो बहुत से लोगों के लिए आपका एक आतंकी के साथ खड़ा होना भी वैसा ही शर्मनाक है। गजब बेइज्जती है। जिस तरह आपको अपना स्टैंड ठीक लगता है, अपनी बिरादरी की करोड़ों की फीस ठीक लगती है, उसी तरह बहुत से लोगों को अंबानी जी का अपने बेटे की शादी में खर्च किया गया पैसा भी ठीक लगता है, तो दिक्कत क्या है? इसलिए कम से कम आप तो मोरालिटी की बात नहीं करो तो बढ़िया है। दूसरी बात यह कि अंबानी जी तो फिर भी बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है, दुनिया के टॉप अमीर लोगों में उनकी गिनती होती है। मगर हमारे नेता लोग जब अपने बच्चों की शादियों पर करोड़ों खर्च करते हैं तब इनसे कोई नहीं पूछता कि ये पैसा कहां से आया। वो नेता तो बिजनेसमैन भी नहीं है, वो तो जनता के सेवक हैं। कम से कम उनको तो अपने बच्चों की शादी सादगी से करनी चाहिए। कौन नहीं जानता कि जब लालू जी ने अपनी बिटिया की शादी की थी तब क्या हुआ था? ये मैं नहीं कह रहा, सारे अखबार और आज के न्यूज पोर्टल भी उस खबर से भरे पड़े हैं। ये बात है साल 2002 की। उस वक्त लालू जी ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी की शादी की थी। लालू जी के समधी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बड़े अधिकारी थे। उस शादी में 25,000 के आसपास मेहमान आए थे। हर कोई इस बात को जानता है कि कैसे उस वक्त बारात के स्वागत के लिए शहर के शोरूमों से 50 नई कारें गन पॉइंट पर उठवा ली गई थी। यही नहीं, राबड़ी देवी के भाई ने 6 पंडालों को सजाने के लिए फर्नीचर की दुकानों से 100 नए सोफा सेट उठवा लाए थे।
दूल्हे के गांव में रातों रात टेलीफोन और बिजली कनेक्शन लगवाए गए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 25 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। पंडालों की सजावट के लिए फूल बैंकॉक, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली से मंगवाए गए थे। उस वक्त उस शादी का टोटल खर्च 5 करोड़ रुपए के आसपास लगाया गया था। जी हाँ, 5 करोड़ रुपए, वो भी आज से 22 साल पहले के उस बिहार में, जिसके बहुत से इलाकों की हालत अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा बुरी है और अभी भी बुरी है। मैं फिर से दोहरा दूं, ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे उस वक्त का हर अखबार भरा पड़ा था। इसमें कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो प्रशांत भूषण जी, शादी में खर्च के नाम पर आप जिस भोंडेपन की बात कर रहे हैं ना, ये था वो भोंडापन। या आज भी बीसीओ ऐसे नेता हैं जो जनता के पैसे से, करप्शन के पैसे से शादियों पर यूं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इसलिए अंबानी जैसे लोग जो अपने पैसे से ऐसी शादियां कर रहे हैं, तो किसी को हक नहीं है उन्हें कुछ कहने का, समझे? अच्छा, दिक्कत ये है ना कि कुछ लोगों को हमेशा नेगेटिव ढूंढने की आदत पड़ गई है। अरे भैया, क्या आपको ये नहीं दिखता कि अंबानी जी जैसे बिलियनेयर के पास पूरी दुनिया पड़ी थी अपने बेटे की शादी का फंक्शन करने के लिए? आखिर क्यों उन्होंने गुजरात के छोटे से शहर जामनगर में ही फंक्शन किया, बताइए? वो इसलिए किया क्योंकि ये उनका पुश्तैनी शहर है। जैसा कि खुद नीता अंबानी जी ने कहा कि जिस जगह मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, जिस शहर से हमारा सालों का नाता है, हम चाहते थे कि ये फंक्शन भी हमारे पुरखों के उसी शहर में किया जाए। आपको अंबानी जी के बेटे की शादी में लगा लाखों रुपया तो दिखता है, मगर क्या कभी ये नहीं दिखा कि किस तरह बेशुमार दौलत के मालिक होने के बावजूद अंबानी परिवार हमेशा भारतीय संस्कारों की बात करता है? क्या ये देखकर खुशी नहीं होती कि दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद अनंत अंबानी हमेशा सनातन की बात करते हैं? हमें सनातन से ये एक, मुझे ये सीख मिली है कि हर एक जान एक है। क्या ये समझ में नहीं आता है कि अगर इस शादी में करोड़ों खर्च हुए, तो ये शादी वो मौका भी थी जब अंबानी जी ने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को भारतीय कल्चर से रूबरू करवाया, उन्हें ये दिखाया कि भारत में शादी का मतलब क्या होता है, हमारी शादियों में मेहमान नवाजी का मतलब क्या होता है। My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me. अच्छा, ये वो सब बातें हैं जो अंबानी जी को क्रिटिसाइज करने वाले भी जानते हैं, मगर उनकी असली प्रॉब्लम शायद कुछ और ही है। शायद उनकी तकलीफ शादी पर किया गया करोड़ों का खर्च नहीं, बल्कि उनकी तकलीफ ये है कि जिस अंबानी पर वो मोदी का करीबी होने का इल्जाम लगाते हैं, कैसे उस अंबानी ने हर उस आदमी को अपने कदमों में ला दिया जिसे वो कल तक अपना दोस्त मानते थे। जिस रिहाना ने किसान आंदोलन के टाइम मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट किया, उस रिहाना को करोड़ों रुपए देकर अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में नचवा दिया। न सिर्फ नचवाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पैसा दो तो ट्वीट भी कर लेंगे, और ज्यादा पैसा दो तो आपके घर पे आकर नाच भी लेंगे। मोदी विरोधियों की तकलीफ ये है कि जिस खान लॉबी को कुछ लोग मोदी के विरोध में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, अंबानी ने पूरी खान लॉबी को स्कूल के बच्चों की तरह मंच पर ठुमके लगवा दिए। तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी, तो कैसी फिल्म बनेगी? आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। उन लोगों को तकलीफ है कि कैसे भारत का एक बिजनेसमैन दुनिया के बड़े बड़े लोगों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें एक लाइन में खड़ा कर देता है। बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे पर्सनल गेस्ट बनकर तीन तीन दिन उसके यहाँ ठहरने आ जाते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें अंबानी की इस ताकत में मोदी की ताकत दिखाई देती है। इसलिए रिहाना जब अंबानी जी के फंक्शन में ठुमके लगाती है, तो इन्हें लगता है कि इनका ही कोई सगा बागी हो गया। जब ये देखते हैं कि तीनों खान कैसे अंबानी परिवार के आगे पीछे जा रहे हैं, तो ये देखकर इन लोगों को दिल का दौरा पड़ने लगता है। और फिर जब इन्हें कुछ और समझ में नहीं आता, तो ये शादी पर खर्चा करने के लिए अंबानी को गाली देने लगते हैं, इन स्टार्स को भला बुरा कहते हैं, मीडिया के नाम पर छाती कूटने लगते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इन्हें अंबानी की ताकत में मोदी की जीत दिखाई देती है, और ये लोग किसी भी हाल में मोदी को जीतते हुए नहीं देख सकते। बस इतनी सी बात है, सिंपल, बाकी सब ढोंग है, समझे? और हेलो, शादी में ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए अंबानी जी की हो रही क्रिटिसिज्म, उनकी आलोचना पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है इतना पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए था? या फिर भैया, उनका पैसा है, बिजनेस करके कमाया हुआ पैसा है, उनके खुद के बेटे की शादी है, चाहे जैसे खर्च करें। आप जो भी सोचते हैं इसके बारे में, जो भी आपका विचार है, आपकी ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो भी दबा के शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक अच्छा काम करके वहां से वापस आएंगे। जी हाँ, वहां पर लिंक दिया है महाशिवरात्रि के महा अन्नदानम का। इतने दिनों से मैं अलग अलग वीडियोस में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइए, जो लाखों भक्तगण आदि योगी के सामने महाशिवरात्रि मनाने आएंगे, उनके महा अन्नदानम के लिए आइए हम फंड रेज करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, जिससे वहां पर जो वॉलंटियर्स हैं वो उनके लिए वो भोजन प्रसाद बना सके। तो अब तक हजारों लोगों ने मदद की है, मैं चाहता हूँ आप
भी मदद करें। एक व्यक्ति के खाने का खर्चा सिर्फ 50 रुपीज है। मैं चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए डोनेट करें और वो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करके उस लिंक को और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं और इस महाअन्नदानम में डोनेट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।